SMS से मुंसलिक अस्पतालों में OPD के औकात में तब्दीली। डॉक्टर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीजों को देखेंगे। एतवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। नाराजगी जाहिर करने के बाद MLA का यू टर्न। BSP से कांग्रेस में आने वाले 4 नाराज MLA ने एक दिन में लहजा बदला। अब उन्होंने कहा कि हम कानूनी राय लेने आए थे, हम गहलोत के साथ हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम के तहत घर हासिल करने का मौका। बोर्ड इंतजामिया ने 4 हाउसिंग स्कीमों में दरख्वास्त की तारीख 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 30 सितंबर आखिरी तारीख थी। रीट और SI भर्ती इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजस्थान बेरोजगार फेडरेशन के सदर ने कहा, पेपर लीक केस में बड़े 7 दिन में मुतालबा पूरा, सियासतदान मलहूस है, अगर ना किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। गांधी जयंती से पहले महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम की मंजूरी। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर एंड सोशल साइंस कायम करने का हुक्म भी जारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सुस्त हरकत। तकरीबन 50,000 तुलबा दाखिला के मुंतजर है। नशिस्तें हाली होने के बावजूद तीसरा कट ऑफ 17 दिन से जारी नहीं किया गया। राजस्थान के सूरतगढ़ सेक्टर के सामने पाकिस्तान का बहावलपुर दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद का ठिकाना है। पठानकोट जैसे दहशतगर्द हमलों के लिए यहां से दहशतगर्द भर्ती किए गए थे। चंदवाजी पुलिस ने जाली पुलिस एहलकार जाहिर करके अगवा के मामले में BTech के तालिबे इल्म समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। अगवा का मरकजी मुलजिम सुरेंद्र सिंह जम्मू रामगढ़ थाने की हेड कांस्टेबल बुआनी का बेटा है। मोदी ने गहलोत की तारीफ की। सियासी अख्तलाफात के बावजूद गहलोत और मोदी के पहले ही अच्छे तालुकात थे। मोदी ने 2013 में वसुंधरा राज्य के तकरीबन हलफ बिरादरी में गहलोत को गले लगाया था। लोड ताजर भाइयों को बोरियां दिखाकर 80,000 रुपए 3 शर पसंदों ने मोटरसाइकिल लूट ली। दूसरे दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।